हेलो दोस्तों, आंचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वीडियो की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत बोगनविला के फ्लावर के साथ, देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है अभी इसमें। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए अडेनियम का कलेक्शन है मेरा, और अडेनियम अभी एक डेढ़ महीने और ब्लूमिंग करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ये रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे। ये देखिए ठंड में इस तरह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं, येलो होके गिर जाते हैं। केवल आपको इसके ब्रांच बस दिखाई देंगे। और देखिए मैंने कितने सारे एक अडेनियम के प्लांट से कितने सारे मैंने कलेक्शन तैयार कर लिए हैं, बीज के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से। तो ये सारे प्लांट्स मेरे बीज से ग्रो हुए हैं, और वो जो आप देख रहे हैं लास्ट यहाँ पर, ये इसको मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। आप इसके कोडेक्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि कटिंग्स और सीड से ग्रो हुए प्लांट में किस तरह से अंतर होता है। और देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग चल रही है। और आज ही मैंने इसमें NPK 19-19-19 का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, मिट्टी में भी डाला है और साथ ही मैंने स्प्रे भी किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ इसी प्लांट के ऊपर बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत कॉक्स कॉम्ब का प्लांट है ये, जिसे मुर्गा कलगी भी कहा जाता है और सिलोसिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और बहुत सारे कलर्स में इसके प्लांट्स मिल जाते हैं, और इजी टू ग्रो इजी टू केयर प्लांट है ये, सीड से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैं केवल एक बार 2-3 साल पहले इसके प्लांट लेके आई थी, एक प्लांट केवल लेके आई थी मैं नर्सरी से, और उसके बाद से ये मेरे गार्डन में अपने आप ही सीड के माध्यम से ग्रो हो जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस बार 4-5 प्लांट ग्रो हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 2 प्लांट इसमें लगाए हुए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं वो पॉली बैग में ही लगा हुआ प्लांट है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पॉलीथीन के बैग में लगा हुआ प्लांट है, और कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ चल रही है। और इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत दिनों तक ये ताज़ा बने रहते हैं फ्रेंड्स। और इसी में इसके सीड निकलेंगे, जब ये प्लांट पुराना हो, इसका फ्लावर पुराना हो जाएगा तो यहीं से सीड निकलेंगे। ब्लैक कलर के सीड होते हैं, बिल्कुल सरसों से भी छोटे दाने होते हैं इसके, एकदम बारीक दाने होते हैं, और उसी से ये ग्रो होते रहता है। तो इसकी केयर के बारे में आज मैं बात करूंगी। और सबसे ये बात बताऊं फ्रेंड्स कि इसमें केयर की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आप रोज पानी देते रहिए इसको। और इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो आप इस तरह से देखिए, इसको पत्ते खाने वाले कीड़े इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए ये खाया हुआ है पत्ते को। तो समय समय पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और इसको खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैंने जब इसको पॉली बैग में लगाया तब इसमें थोड़ी सी एक दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था मिट्टी में, उसके बाद से मैंने अभी तक इसमें खाद नहीं दिया है। और इसको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट आपके पास जो भी उपलब्ध है उसको डालते रहिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और सनलाइट का प्लांट है ये, कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट इसको मिलनी चाहिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। और पानी की जब हम बात करते हैं तो नमी वाली मिट्टी इसको पसंद होती है फ्रेंड्स, तो एकदम से ड्राई ना होने दें और ना ही एकदम ओवर वाटरिंग हो। ओवर वाटरिंग से इसमें फंगस लग जाता है और नीचे के पत्ते सारे खराब होकर रूट रॉट होने लग जाते हैं, तो ओवर वाटरिंग तो किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होता, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, विंटर में बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करता है। वैसे तो ये 12 महीने फ्लावरिंग देता है, लेकिन एक प्लांट साल भर 2 साल तक नहीं चलते फ्रेंड्स। जैसे ही इसके फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं इस तरह से एक ही फ्लावर आता है इसमें, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर, और जैसे ही इसके फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं तो प्लांट भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। और ये हाइब्रिड वाला है, एक देसी जो कॉक्सकॉम का प्लांट आता है वो बहुत ऊँचा होता है फ्रेंड्स, लगभग 3-4 फीट की हाइट होती है, और ये जो आप देख रहे हैं हाइब्रिड वाला, उसकी ऊंचाई लगभग 1-1.5 फीट ही रहती है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटा सा प्लांट होता है और बहुत ही सुंदर इसमें मखमल की तरह इसके फ्लावर्स दिखते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल मखमल की तरह दिख रहे हैं, तो कई जगह इसे मखमली फूल भी कहा जाता है।
तो आज यही शेयर करना था आप लोग के साथ। इस प्लांट को जरूर लगाइए, आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। और बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, येलो, लाइट पिंक, रेड, पिंक, इस तरह से बहुत सारे कलर्स वैरायटी में ये प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो यही शेयर करना था फ्रेंड्स। और मेरे हिबिस्कस को भी देख लीजिए, आज ये वाला हिबिस्कस आज खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और आपको मैं दिखाती हूँ, एक हिबिस्कस वहाँ पर है, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय, थैंक।